हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज है संडे, बहुत लेट सो के उठे हैं और अभी बज रहा है दोपहर का 2:30। और आज हम आपको ना बनारस का कैंटोनमेंट घुमाएंगे। हर बड़े शहर में एक कैंटोनमेंट जरूर होता है, तो बनारस में भी कैंटोनमेंट है और बनारस का कैंटोनमेंट भी काफी अच्छा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे कैंटोनमेंट का टूर दूंगा ना एक ऐसे ही, शायद आपको देख के अच्छा लगे। वेलकम टू वाराणसी कैंटोनमेंट। तो यही एंट्रेंस है कैंटोनमेंट का, इसके आगे पूरा वाराणसी छावनी शुरू हो जाती है। और यहाँ से दो रास्ता डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट की तरफ जाता है जो जाता है कैंट के पीछे यानी रेलवे स्टेशन के पीछे, और ए वाला चला जाता है कचहरी। लेकिन हम लोग को सीधा चलना है और सीधा पूरा कैंटोनमेंट है। और कैंटोनमेंट में एंटर करते ही सबसे पहले ये चर्च आता है, बहुत ही प्रसिद्ध बनारस का चर्च है और काफी बड़ा भी है क्षेत्रफल में। और यहाँ की रौनक 25 दिसंबर को देखते ही बनती है, यहाँ पर पूरा मेला वाला लगता है। लेकिन वैसे देखने में काफी सुंदर है बाहर से भी अंदर से भी। और कैंटोनमेंट यार जहाँ भी होता है ना वहाँ की खास बात होती है कि उसके अंदर पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी हरियाली बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ सब साइड में पेड़ ही पेड़ लगे दिख रहे होंगे आपको। और रोड भी यहाँ के काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं ना, यहाँ का रोड और BHU का रोड बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम लोग कैंटोनमेंट में ही चल रहे हैं। ये बगल में यहाँ पे कैंटीन है, जैसे आर्मी वालों के लिए स्पेशल कैंटीन होती ना, तो कैंटीन यहीं पर है। ये बगल में जो दिख रहा है कैंटीन का मेन गेट है। अब यहाँ से दो रास्ते और डिवाइड होते हैं, ये राइट वाला रास्ता चला जाता है मेन रोड पे और ये लेफ्ट वाला रास्ता चला जाता है 39 GTC, और ये सीधा चला जाता है GHB। तो मैं तीनों में से किसी एक पे ही चल सकता हूँ अभी। और यहाँ पे एयर इंडिया का ऑफिस है, एयर इंडिया एरोप्लेन वाली। और अगर किसी को गाड़ी वाड़ी सीखना हो तो यहाँ कैंटोनमेंट में सीख सकता है चलाना स्कूटी, क्योंकि यहाँ रास्ता थोड़ा सा खाली होता है और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ से अगर हम लोग राइट मार लेंगे तो सीधा चले जाएंगे GHB होते हुए मेन रोड पे, लेकिन लेफ्ट मार के हम चलते हैं थोड़ा सा 39 GTC घूमने। ये सब कैंटोनमेंट ही अभी चल रहा है। अब यहीं बगल में नेहरू पार्क है, बहुत फेमस बनारस का नेहरू पार्क कैंटोनमेंट में ही होता है। ये देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा है नेहरू पार्क, ये पार्किंग है और ये बगल में अपना पार्क है। ये छावनी का सबसे फेमस पार्क है। और जितने भी बनारस के अच्छे अच्छे हाई लेवल ऑफिसर्स के घर हैं ना, वो सब इसी छावनी में है। जैसे DM का पूरा आवास इसी में है और जितने भी अपर अधिकारी हैं सबका आवास इसी में होता है। इसी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी और सफाई बहुत अच्छी रहती है। आप देख ही रहे होंगे रोड की कंडीशन, बगल बगल में पेड़ लगा हुआ है और रोड एकदम साफ दिख रहा है। ये बगल में पुलिस आयुक्त का आवास है। तो ये सामने जो दिख रहा है जिला अधिकारी वाराणसी आवास है, यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है। और बनारस के DM साहब यहीं पे रहते हैं। और यार यहाँ की हवा ही अलग है, एकदम ठंडी ठंडी। वैसे BHU में और यहाँ दोनों में एंटर करते ही ना हवा एकदम बदल जाती है, क्योंकि जहाँ पेड़ रुख रहता है ना वहाँ पर हवा में शुद्धता होती है और ठंडक भी होती है। और आपको दोनों चीज़ इन दोनों जगहों पे मिलता है। और ये सब पूरा आर्मी ऑफिस है, सामने ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड वाराणसी, लाल कलर का जो गेट है। अब इधर तो कोई रास्ता नहीं है, इधर रास्ता है, इधर हम लोग चलते हैं। और अब धीरे से हमको पता चल रहा कि हम बहुत गलत आ गए, ये हमको बाहर लेके चला जाएगा, कैंटोनमेंट से बाहर हम चले जाएंगे। तो वापस मुड़ते हैं। वैसे इसमें डाइवर्जेंस काफ़ी हैं, हम लोग वहाँ जहाँ नेहरू पार्क से मुड़े ना वो गलत डायरेक्शन में मुड़ गए, इसीलिए एंड पे आ गए। लेकिन अब फिर से उधर ही चलते हैं क्योंकि ये रास्ता 39 GTC नहीं जाएगा। और बनारस का मोस्ट फेमस गाय बैल आपको हर रोड पे घूमते हुए नज़र आ ही जाएंगे, लेकिन इनसे कोई परहेज नहीं है, अभी तो जीव है हमारी तरह, इनकी भी ज़रूरत उतनी ही है क्योंकि परमात्मा ने इनको बनाया होगा किसी कारण से ही। तो उनके ऊपर हम लोग संदेह नहीं कर सकते हैं कि नहीं भैया। हाँ, तो जो गलत रास्ता हम लिए थे ना वो यहाँ से अंदर आके नहीं, यहाँ से हमको राइट मारना है, तो यहाँ से राइट मार के चलते हैं 39 GTC, वो सही रास्ता होगा। तो ये फिर से हम लोग नेहरू पार्क आ गए, यहाँ से राइट मार के चलेंगे, थोड़ा ही दूर पे 39 GTC है और वहीं पे केंद्रीय विद्यालय भी है। केंद्रीय विद्यालय बनारस का इसी कैंटोनमेंट में ही है और यहीं थोड़ा दूर बगल से उसकी बाउंड्री भी शुरू हो जाती है। ये जो आपको जंगल दिख रहे हैं सब इसी के अंदर KV भी है और इसके अंदर लोकल लोग भी रहते हैं, घर और हैं अच्छे खासे, कॉलोनीज हैं। बाकी अभी इस कैंटोनमेंट में बहुत एरिया ऐसा है जो अनडेवलप्ड है, ऐसे ही अभी छूटा पड़ा है, मैदान जंगल बना हुआ है, लेकिन वो भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार उसको यूज़ करेगी। तो इसके अंदर अपना केंद्रीय विद्यालय है पूरा। अब हम लोग थोड़ा सा यहीं कहीं पे स्टॉप लेते हैं, देखते हैं जो कुछ बनाए हैं कितना बना है, कैसा बना है। और ए है अपना, यहाँ से चार रास्ते खुलते हैं, एक ए सीधा चला जाता है लहर तारा वाला रोड पे और यहीं पे KV भी है। और कैंटोनमेंट में ही आपको ये बड़ा सा तोप रखा हुआ मिल जाएगा और ये यहाँ की शोभा बढ़ाता है। और इसके बगल में मेरी स्कूटी आपको दिख जाएगी लेकिन ये हमेशा नहीं दिखेगी। छावनी परिषद वाराणसी,
एक पार्क है, इसमें पत्थर के ढेर सारे जानवर बने, जैसे यहाँ पे आपको जिराफ सामने दिख रहा होगा, ये पत्थर का बनाया गया है। वहाँ देखिए ऑस्ट्रिच बना हुआ, वो भी पत्थर का ही है। तो ऐसे मनोरंजन के लिए काफी चीजें बनाई गई हैं, और अंदर कुछ और जानवर जैसे हिरन उरन भी है। और ये जो तोप रखा गया ना, इसी के बगल से जो रास्ता जाता है सीधा 39 GTC मेन गेट चला जाता है, और उसके अंदर मैं जाने वाला नहीं हूँ भाई, क्योंकि उसके अंदर सब आर्मी वाले लोग रहते हैं और वहाँ जाना अलाउड भी नहीं है। तो आपको बनारस का कैंटोनमेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वैसे मैंने कई कैंटोनमेंट और भी देखे हैं, जैसे मैंने एक बिहार गया का कैंटोनमेंट देखा है, वो बड़ा सही जगह था क्योंकि वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका था, ऊपर की तरफ था, और वहाँ पे जितने आर्मी वाले थे ना, उन लोग को रोज पहाड़ पे ट्रेनिंग करनी होती है शायद। और कैंटोनमेंट ऐसी जगह बनाए ही जाते हैं जहाँ पर जंगल हो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है। और इन सब जगहों के ज़्यादातर काम ना आर्मी वाले ही करते हैं, जैसे जंगल की सफाई करना, पेड़ काटना, ये सब वो लोग खुद ही करते हैं, उसके लिए कोई आदमी नहीं लगते हैं। मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, कई बार देखा हूँ मैं, इसीलिए बता रहा हूँ। और ये कैंटोनमेंट में ही अपने बनारस का सबसे फेमस मॉल JHB मॉल है बगल में, ये भी कैंटोनमेंट में ही आता है, और ये बनारस का सबसे बड़ा मॉल भी है क्षेत्रफल में, जैसे बगल में आपको दिख रहा होगा। इसकी पार्किंग भी काफ़ी अच्छी खासी है, बड़ी सी, यही है इसकी पार्किंग बगल में ही। और इसी कैंटोनमेंट में आपको बड़े अच्छे अच्छे होटल भी मिल जाएंगे, बनारस के जितने फेमस होटल हैं सब आपको इसी रूट में मिलेंगे। जैसे आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, ये सब होटल ही है, जैसे एक बगल में मेरे ये द क्लार्क होटल है, सामने होटल मेडिन है, ये द अमाया होटल है। और इसी रास्ते से सीधे चलते चलते हम लोग कैंटोनमेंट से बाहर आ जाएंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, बहुत अच्छा, हमारी यात्रा मंगलमय हो चुकी है और हम आपको पूरा कैंटोनमेंट घुमा भी चुके हैं, पूरा तो नहीं घुमा है यार, लेकिन तब भी ज़्यादातर हिस्सा तो दिखा ही दिए। और ये हम आ गए मेन रोड पे, हम लोग जल्दी चले आए ना, क्योंकि वहाँ जो आर्मी वाले खड़े थे बोल रहे थे जाओ जल्दी यहाँ से, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किए, चले आए। सो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी किसी ऐसी अगली वीडियो में।